हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं टेम्पो ट्रैवलर का इंटीरियर एक्सटीरियर। आपको पूरी क्लैरिटी देंगे कैसा टेम्पो ट्रैवलर होता है, अंदर से बाहर से कैसी सीटिंग होती है, क्या क्या उसमें फीचर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उससे आपको क्लियर रहेगा कि टेम्पो ट्रैवलर आपको कैसा मिलने वाला है, आप कैसे टेम्पो ट्रैवलर में ट्रैवल करने वाले हो, उसका कम्फर्ट कैसा होगा आपके लिए। फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ कर सकते हैं। तो आज आपको गाड़ी दिखाएंगे, सारा कुछ आपके सामने क्लियर करेंगे। तो आओ चलते हैं, हम देखते हैं टेम्पो ट्रैवलर। तो आइए आपको लेके चलते हैं अब टेम्पो ट्रैवलर के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले इंटीरियर से हम स्टार्ट करेंगे, इसकी एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे कि कैसी इसकी एंट्री है, कितना ऊँचा स्टेप है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री है और इसका जो नीचे का स्टेप है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है ऊंचे स्टेप चढ़ने के लिए, तो यहाँ से ये देखिए, ये एक गेट इतना ऊंचा स्टेप है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड। बड़े इजीली आप इसमें चढ़ सकते हो। तो यहाँ से ये सीट फोल्ड करके इसकी एंट्री मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये यहाँ से ऐसे सीट फोल्ड हो जाती है और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो हमारे ड्राइवर साहब वेलकम कर रहे हैं, तो सबका वेलकम है हमारी कंपनी में, हमारी गाड़ी में। तो आइए आपको दिखाते हैं बाकी का इंटीरियर अंदर से। सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करेगी इस गाड़ी की लाइटिंग, बहुत ही अच्छी तरह की इसकी लाइटिंग है, मल्टी कलर्स इसकी लाइटिंग है। तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा इंटीरियर इसका जैसे ही आप गाड़ी में एंटर करेंगे। तो आइए आपको और भी चीज़ें इसमें बताते हैं। इसके अंदर दूसरी बात करें लाइटों के बाद, तो 1x1 की महाराजा सीट्स हैं जो कि पुशबैक में आती हैं। तो ये 1x1 की महाराजा सीट बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ब्रॉड हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी सीटें हैं ये वाली। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे आपको लेग स्पेस भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लेग स्पेस है, इसके अंदर भी स्पेस है सीट के अंदर, तो टांगें आपकी सीधी हो सकती हैं। और इसका मैं पुशबैक आपको करके दिखाता हूँ कितना पुशबैक है इसमें। ये देखिए इतना इसके अंदर पुशबैक है, आपको बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैवल मिलने वाला है इसके अंदर। सीट्स आपकी बहुत ही सॉफ्ट हैं, कंफर्टेबल हैं बैठने के लिए। और इसके अंदर थोड़ा सा लाइट डाउन आप हो सकते हैं ऐसे करके, तो बहुत ही कम्फर्टेबल है। एल्बो स्पेस है आपके दोनों तरफ। और बात करें तो इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, USB की तार है। आपको दिखाते हैं, थोड़ा क्लोजअप दिखाते हैं आपको। ये देखिए थोड़ा पास में जाके मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, इसके USB की तार है। ये आपको दो इस साइड मिलेंगे और दो इस साइड मिलेंगे, दो लेफ्ट और दो राइट में मिलेंगे आपको। ये देखिए इधर भी आपको मिलेगा। और उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर आपको शेड्स मिलते हैं जो कि बाहर से सनलाइट को रोकने के लिए इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको लगा सकते हो। तो इसके अंदर आपको जो है ना बहुत ही मतलब बढ़िया लगेगा, लुक एंड फील अच्छा आता है आपको। सूरज की बाहर से लाइटिंग नहीं आती, इतनी ज़्यादा गर्मी धूप नहीं लगती है, तो बहुत ही अच्छा है ये भी। तो ऐसे आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। और बाकी बात करें आप, यहाँ पे देखिए आपको हर सीट के ऊपर AC की विंडो, AC के वेंट्स मिलते हैं आपको। तो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है आपके लिए, हवा पूरी प्रॉपर हर बंदे को लगती है यहाँ पे। ये नहीं कि आगे और पीछे वाला AC है, इसके अंदर आपको हर सीट के ऊपर AC मिलने वाला है। यहाँ पे स्पीकर दिए हुए हैं, स्पीकर्स अच्छा साउंड देते हैं, दो स्पीकर हैं। पीछे इसके अंदर जो है लगेज का जो है स्पेस भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप थोड़ा सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो बाकी अगर बात करें लगेज के लिए, तो ऊपर कैरियर भी है इसके अंदर। तो ये पीछे की तीन सीटें हैं, देखो पहले सीटें देख लो आप। तो यहाँ से अगर हम बात करें आपके लिए, तो लगेज का जो स्पेस है वो आपको ऊपर भी मिलता है इसके। कैरियर के ऊपर आप लगेज रख सकते हो, तकरीबन 8 से 9 लगेज आपके कैरियर में आते हैं और 5 से 6 लगेज इसके पीछे भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के अच्छा लगेज स्पेस मिलता है आपको, ट्रैवल के लिए खुली डुल्ली गाड़ी मिलती है आपको, लेग स्पेस अच्छा है,
ये गाड़ी टोटल जो है 9+2 कहते हैं, 2 इसलिए कहते हैं कि एक सीट आगे जो है वो ड्राइवर के साथ है। एक बारी घुमा के दिखाना है एक बारी सीट, ये देखिए ये वाली सीट जो फोल्ड हो रखी है वो 2 है, 9 पीछे और आगे 2 सीटें, टोटल 10 पैसेंजर इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो इसके बाद अब टाइम आ गया है आपको दिखाने के लिए इसके अंदर LCD का, LCD इसके अंदर जो है HD की मिलेगी आपको। बाकी गाड़ियों के अंदर HD नहीं होती है, स्क्रीन होती है ज़रूर लेकिन HD नहीं होती है, इसके अंदर आपको HD की स्क्रीन मिलेगी। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन है आपके सामने और पूरा एंजॉय है इसके अंदर आपका, जो भी आप USB AUX ब्लूटूथ से भी इसको आप चला सकते हो, तो आपका मतलब पूरा एंटरटेनमेंट होगा इस गाड़ी के अंदर, बच्चे कार्टून भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर होती है ये HD की स्क्रीन। इसको अभी बंद कर देते हैं और यहाँ पे देखिए JVC का आपको प्लेयर मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल AC है इसके अंदर, ये देखिए ये सीट नीचे कर दिया, पूरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। आपको स्क्रीन हम चला के भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, अब आपको ये स्क्रीन चला के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए स्क्रीन चल गई है, थोड़ा सा नज़दीक ला के आपको दिखाते हैं, बहुत ही क्लियर है ये स्क्रीन, ये नहीं कि जो बाकी गाड़ियों में दिखता नहीं है बाहर से शेड आता है, इतना बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। तो गाइज अगर आप इस गाड़ी की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप www.japjitravel.com पे जाके इस गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं, और जैसी गाड़ी आपको दिख रही है वैसी ही गाड़ी आएगी। इस गाड़ी का जो नाम है हमारे यहाँ पे मॉडल के हिसाब से बता देता हूँ क्या नाम है, इस गाड़ी का नाम है 9-सीटर प्रीमियम एयर सस्पेंशन टेम्पो ट्रैवलर। इसके अंदर पीछे एयर सस्पेंशन भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाहर ले जाके भी, तो एयर सस्पेंशन जो है वो इस गाड़ी को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं। एयर सस्पेंशन आपको अगर मालूम हो तो वोल्वो या मर्सिडीज वाली हाई एंड गाड़ियों में होते हैं, तो वो इसके पीछे लगे हुए हैं एयर सस्पेंशन। तो गाइज आपको अब मैं इसका एक्सटीरियर दिखाता हूँ, सबसे पहले मैंने बात करी थी एयर सस्पेंशन की, तो इसके नीचे आपको मैं एयर सस्पेंशन दिखाता हूँ, फिटेड हो रखा है इसके अंदर, तो आप नीचे देखिए इसके अंदर एयर सस्पेंशन मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 एयर के आपको बैलून नज़र आ रहे होंगे, ये एयर सस्पेंशन होता है, और मैं गाड़ी को देखना थोड़ा ऊपर नीचे करूँगा तो ये देखना वर्किंग है। ये देखिए कितना जो है सॉफ्ट है, एयर के ऊपर गाड़ी है, एयर बैलून लगे हुए हैं इसमें, और बाकी एक्सटीरियर तो आपको दिख ही रहा होगा कितना बढ़िया है, साफ सुथरा मेंटेन गाड़ी है, पूरी लाइटिंग वगैरह अंदर जल रही है आपको दिख रहा होगा। तो साइड से भी आपको दिखाते हैं, साइड का लुक है ये, और आगे से भी आपको लेके जाते हैं, आगे से भी दिखाते हैं आपको। ये आगे का लुक आप देख रहे हैं इसका, ये आगे का है इसका आउटलुक, आगे भी इसके लाइटें लगा रखी हैं, और इस साइड का भी आपको दिखा देते हैं। तो आई होप आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी, इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा टेम्पो ट्रैवलर होता है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा होता है, सारी चीज़ें आपको आज दिखाई हैं, लगेज स्पेस आपको बताया कितना होता है, तो गाड़ी में फीचर फैसिलिटी सब चीज़ आपको बताई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थैंक यू।